हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अब सेक्स वर्क को एज अ प्रोफेशन देखने की बात की है और पुलिस को यह हिदायत दी है कि उनके सेक्स वर्कर के साथ किसी भी तरीके का अव्यूज या किसी भी तरीके की कोई भी जबरदस्ती ना की जाए, और बोला है कि ये आपके आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है कि उनको भी एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है। तो अब सेक्स जो है आपका प्रोस्टिट्यूशन इलीगल नहीं है, किसी भी तरीके से इसको इलीगल नहीं माना जाएगा और किसी भी सेक्स वर्कर के साथ कोई भी वायलेंस भी नहीं किया जाएगा, कोई हिंसा नहीं जाएगी, क्योंकि उनको एक अपनी लाइफ को डिग्निटी से जीने का अधिकार है और किसी भी तरीके से उनके साथ इक्वलिटी और डिग्निटी बना के रखनी है। उनको भी अपना पैसा चूज करने का अधिकार है, अगर उनकी एज है तो वो अपना ऐसा काम कर सकते हैं। और जो कि आपके आर्टिकल 21 आपको राइट टू लाइफ जो आपको अधिकार देता है अपना पैसा चूज करने का, अपने जीवन को बेहतर बनाने का, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और बोला कि इक्वलिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, इक्वल प्रोटेक्शन होना चाहिए। और यहाँ पर जस्टिस नागेश्वर राव की बेंच ने यहाँ पर यह फैसला लिया है कि अब जो है सेक्स जो है वो लीगल नहीं है, सेक्स वर्कर आपका लीगल नहीं है, और उनके बच्चों को भी उनसे अलग नहीं किया जाएगा सेक्स वर्कर्स को किसी भी बेसिस पर। और मीडिया को हिदायत दी है कि उनकी आइडेंटिटी को छुपा के रखा जाए, आइडेंटिटी उनकी रिवील ना की जाए, और इसी तरीके से क्या हो जाएगा उनके बैलेंस भी ना किया जाए। ये बोला है किसने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि सेक्स जो है लीगल नहीं है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट की जो उन्होंने फैसला लिया ये होना चाहिए था और ये हो गया।